सत्ता की शुरुआत आज एक ऐसे मुद्दे से जिसमें अब राम का नाम आने के बाद नई चिंगारियां भड़की हैं। गैस छोड़े जा रहे हैं, वहां से स्थिति इतनी खराब हो गई है कि आप उस जगह से निकल नहीं सकते हैं। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है। सेंट्रल फोर्स आए और हमें प्रोटेक्शन दे। सिर्फ डिमांड कर रहे जस्टिस के लिए, सब कुछ तोड़ दिया। सोचिए और देखिए, जो औरों के जीवन की रक्षा करता है उसका जीवन ही खतरे में है, और इसके पीछे कौन? सत्ता में हम बात करते हैं उस खबर की, इस खबर की, इस हिंसक प्रदर्शन की, जिसे गुंडागर्दी एट मिडनाइट कहा जा रहा है। कल रात से देश कोलकाता की भयानक तस्वीरें दिख रहा है, और सबसे ज्यादा चुभने वाली बात यह है कि इस रेप, मर्डर और फिर गुंडागर्दी वाले अपराध को राजनीतिक रंग देने के लिए राम का नाम घसीटा जा रहा है। कोलकाता में कल रात हुए उपद्रव पर वाम और राम वाला नया नैरेटिव दिया जा रहा है, और ये नैरेटिव देने वाला कोई और नहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। सोचिए, जिन पर इंसाफ को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है, जिनसे जनता को कार्रवाई की उम्मीद है, जिनसे डॉक्टर्स इंसाफ मांग रहे हैं, वो वाम और राम पर दोष डालकर मामले को रफा दफा कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा है कि कोलकाता में कल रात जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कुछ राजनीतिक ताकतों का हाथ है, जिसमें वाम और राम शामिल। आप ममता बनर्जी का पूरा बयान सुनिए, उसके बाद कुछ सवाल आपके सामने आएंगे। आमी जतटुकु इनफॉरमेशन पेयेछि, आमी छात्र छात्रीदेर कोनो दोष दिच्छि ना, बहिरागत किछु राजनैतिक लोक जारा बांग्लाय अशांति करते चान बाम एवं राम, तारा एकत्रित हुए एक गंडगोलटा करेछे। पहले शब्द है मुझे जितनी सूचना है। सवाल खड़ा यह होता है, इस गुंडागर्दी के बाद क्यों सूचना है? इससे पहले की इंटेलिजेंस कहां गई? वो सूचना क्यों नहीं मिली? सुना आपने, ये उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जहां एक ट्रेनी डॉक्टर का बलात्कार होता और फिर हत्या कर दी जाती है, वो भी अस्पताल के अंदर, वो भी सबसे पुराने अस्पतालों में से एक है। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है और रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में सवाल है, ममता बनर्जी रेप, मर्डर, गुंडागर्दी पर राम का नाम क्यों ले रही है? क्या प्रशासन की नाकामी को छिपाने के लिए धार्मिक एंगल दिया जा रहा है? क्या वाम और राम से मुद्दे को भड़काने की कोशिश हो रही है? ममता बनर्जी के राम और वाम वाले बयान को याद रखते हुए कोलकाता में बीती रात हुए दुस्साहस की तस्वीरें देखिए। एक ऐसा दुस्साहस जो कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में देखने को मिला, इसके वीडियो सबूत हमारे पास हैं। ये वही अस्पताल है जहां आज से ठीक 6 दिन पहले 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई थी। इस दर्दनाक और शर्मनाक वारदात पर देश भर में गुस्सा है। कई शहरों में डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इंसाफ की इसी जंग के बीच कुछ उपद्रवियों ने ऐसा उत्पात मचाया जिससे पश्चिम बंगाल की पुलिस, पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था, पश्चिम बंगाल की जो सत्ता है, वो सवालों के शिकंजे में आ गई। सवाल उठना लाजमी है, लेकिन ममता बनर्जी पहले ही वाम और राम वाली ढाल लेकर सवालों के सामने खड़ी हो गए। 100 सेकंड के इस वीडियो को देखिए, इसको देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि इन प्रदर्शनकारियों को उपद्रवी क्यों कहा जा रहा। ये डॉक्टर्स के प्रदर्शन की आड़ में आए जरूर हैं, लेकिन इनका मकसद देश की बेटी को इंसाफ दिलाना तो कतई नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के बाहर कैसे अचानक भीड़ इकट्ठा हो गई। करीब 1 बजे 1000 लोगों ने अस्पताल के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। 1000 लोग
शायद उससे भी ज्यादा तोड़फोड़ करते हैं, बैरिकेड पर चढ़कर घंटों गुंडागर्दी करते हैं। दरअसल कहानी यह है कि कोलकाता में रिक्लेम द नाइट कैंपेन शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य यह था कि लेडी डॉक्टर से रेप हत्याकांड पर इस बार महिलाएं प्रदर्शन करेंगी और अपनी आजादी की सुरक्षा की मांग करेंगी। 14 अगस्त की रात 11:55 पर कैंपेन की शुरुआत हुई। क्यों? क्योंकि वो 15 अगस्त से पहले एट द ईव ऑफ 15 अगस्त करना चाहते, लेकिन न्याय की मांग पर बुलाया गया यह प्रदर्शन अचानक से अन्याय के रास्ते पर चल पड़ा। यह आप सीधे सीधे इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यह प्रदर्शन रात में क्यों शुरू किया गया आपको पता है? इसके पीछे की वजह यह है, वो चाहते थे ये बताना कि रात में महिलाएं असुरक्षित होती हैं, इसीलिए हम रात में सिंबॉलिकली इसको प्रदर्शन को करेंगे। और उसके बाद रात में क्या होता है, ये वीडियो तो सिर्फ मिडनाइट गुंडागर्दी का ट्रेलर है, आपको और भी वीडियो सबूत दिखा रहे हैं। कल रात 2:50 पर कोलकाता की सड़कों पर क्या चल रहा था, इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं। सवाल यही है कि इस भीड़ को किसने भेजा, इसका मास्टरमाइंड कौन था, इसका मकसद क्या है, क्या यह प्रायोजित है, क्या यह अस्पताल में सबूत मिटाने की साजिश है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इसका भी वीडियो सबूत आगे दिखाएंगे। क्या किसी ने ऐसी कल्पना की थी कि जब देश 78वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में जुटा होगा, तब देर रात को देश के एक शहर में ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी? अगली तस्वीर की पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन इस वीडियो को लेकर आरोप और सवालों का तूफान आया हुआ। आरोप है कि ट्रकों से लोगों को लाया जा रहा था, बिल्कुल एक सोची समझी साजिश की तरह, जैसे इन लोगों को कहीं से आदेश मिला हो कि जाओ और अस्पताल में जाकर उत्पात मचाओ। सवाल है कि वो चेहरे कौन है, इस खूंखार भीड़ का असली डायरेक्टर कौन है, जिसके इशारे पर ट्रकों में भर भर कर असामाजिक तत्व अस्पताल में भेजे जा रहे हैं। अगली तस्वीर कोलकाता के अस्पताल की है, इसमें 12 से 15 लोग दिख रहे हैं जो अस्पताल में पीछे के हिस्से से चोर की तरह घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि कैसे कोलकाता में हिंसा वाला खेल चल रहा था, कैसे एक महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए आंदोलन को हिंसा का रूप देकर मुद्दे को भटकाया जा रहा है। इंटेंट, इस हिंसा से फायदा किसको होगा? जिसको इस हिंसा से फायदा होगा वही इसके पीछे होगा। आरोप लग रहे हैं कि सबूत मिटाने के लिए लोगों ने अस्पताल पर आक्रमण किया। इस वीडियो में कोई पंखे को तोड़ता हुआ दिख रहा है, कोई कुर्सी फेंकता हुआ दिख रहा है, हर तरफ उपद्रवियों की टोली है, वो भी अस्पताल के ठीक सामने। कुछ ही देर में ऐसा लगा जैसे अस्पताल हाईजैक हो गया है। उपद्रवी लाठी डंडों से लैस थे, उनके हाथ में जो आया उस पर तोड़फोड़ की गई। हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, यहाँ का कोई भी जो नॉर्मल पुलिस है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये लोग हजारों के संख्या में मॉब आया है, जो यहाँ का जो भी इन्वेस्टिगेशन की जगह पे सैंपल होना चाहिए उसको टेम्पर करने के लिए ये लोग आए हैं पूरा। हम लोग यहाँ के डॉक्टर हैं, हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, यहाँ का कोई भी जो नॉर्मल पुलिस है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये लोग हजारों के संख्या में मॉब आया है, जो यहाँ का जो भी इन्वेस्टिगेशन की जगह पे सैंपल होना चाहिए उसको टेम्पर करने के लिए ये लोग आए हैं। सवाल है, आखिर जब उपद्रवी हंगामा कर रहे थे और कुछ लोग अस्पताल में घुस रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, उस वक्त पुलिस कहाँ थी? पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं थी? अब तक की जानकारी के अनुसार पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के बीच करीब 40 उपद्रवी अस्पताल परिसर में दाखिल हुए। ये 40 है वो पहचान में ना, इसलिए इलाके और आसपास के कई सीसीटीवी कैमरों को पहले ही नष्ट कर दिया गया था। अच्छा, मतलब उपद्रवियों ने रेकी कर रखी थी, पुलिस ने नहीं। लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी और वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए इनमें से कई लोगों की पहचान की है। आपको बता दें कि कोलकाता पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बहुत बड़ी कार्रवाई की है, 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। 9,000 की संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे थे, 1,000 जिन्होंने उपद्रव किया होगा। सोचिए जरा, 9 को गिरफ्तार किया, कोलकाता पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। इस मामले से
कई सीसीटीवी फुटेज बरामद किए गए जिसके जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। स्थानीय पुलिस ने तस्वीर जारी कर लोगों से अपील की है और कहा है कि अगर इसमें से कोई भी चेहरा कहीं भी दिखे, इनके ठिकाने की जानकारी मिले तो पुलिस को जरूर बताएं। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को भी हम कोलकाता पुलिस की ओर से जारी की गई तस्वीरों को दिखा रहे हैं, आप सभी चेहरों को देखिए। पुलिस के मुताबिक ये वही लोग हैं जो कल रात कोलकाता अस्पताल के बाहर उपद्रव में शामिल थे। इस हिंसक घटना के दौरान पहले एक खबर यह भी आई थी कि अराजक तत्वों ने अस्पताल की चौथी मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में भी तोड़फोड़ की है। इसी सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई थी। हालांकि कोलकाता पुलिस ने इस खबर से का खंडन किया। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि क्राइम ऑफ सीन सेमिनार रूम है, उसे टच नहीं किया गया है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए मीडिया पर ठीकरा क्यों फोड़ा? यह आरोप क्यों लगाए गए कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से चलाए जा रहे मीडिया कैंपेन ने स्थिति को खराब किया? क्या उन्हें इस बात का जवाब नहीं देना चाहिए था कि हजारों लोगों की भीड़ अचानक से अस्पताल कैसे पहुंच गई और पुलिस कुछ क्यों नहीं कर पाई? सोचिए इस पूरे मामले पर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल का क्या कहना है, ये जरूर सुनना चाहिए। और जानिए कि जिस पुलिस कमिश्नर से हर किसी को उम्मीद है वो क्या दलील दे रहे हैं। What has happened here is because of the media, the wrong media campaign, which has been malicious media campaign, which is going as far as Calcutta police is concerned. What has Calcutta police not done? In this case, they have done everything, and I do it. I am saying it under everything under my command. My men have worked day and night to detect this case. To collect evidences, they have collected the best of evidences. The main accused has been arrested. Day and night काम किया है इनका ये कहना, evidence collect करने के लिए काम किया है इनका ये कहना, तो फिर हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की उस पर क्या कहेंगे? कोलकाता केस में सीबीआई फुल एक्शन में है। सीबीआई की 3 टीमें और 25 ऑफिसर एक एक सच को सामने ला रहे हैं। सीबीआई अब आरोपी की सीडीआर और मोबाइल लोकेशन की जांच कर रही है। 2 डिपार्टमेंट हेड और 1 रेजिडेंट डॉक्टर से पूछताछ की गई है। आज पीड़ित परिवार वालों के बयान भी दर्ज किए गए। टीयर कैसी है देखिए, लोगों की हालत खराब हो रही है यहाँ पे। अब लोग जो है वो धीरे धीरे भागने की कोशिश में लगे हैं और निश्चित रूप से जो पूरा मॉब है उसको तितर बितर करने के लिए तोड़फोड़ करके गुंडा बहिनी ये लोग सोच रहे हैं ये आंदोलन को ये लोग तोड़ देगा, मगर हम लोग धीरे धीरे आपको पुलिस का वज्रवाहन आते हुए दिख रहा है। पुलिस बार बार कोशिश कर रही है किसी भी तरीके से। दूसरी तरफ जो तस्वीर दिखा रहा हूँ वो तस्वीर, ये प्रोटेस्टर्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस इनको खदेड़ने की कोशिश कर रही है। पुलिस जो है पूरा का पूरा इलाका, ये जो आरजेकर हॉस्पिटल के आसपास का इलाका था, लोग जो है वो तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों की परेशानी इस बात की है कि पुलिस ने उनको जानबूझ के भगाया। लोग पत्थर भी फेंक रहे हैं और जो है तमाशा जो है लोग जो है कहाँ पे आगे जा रहे हैं ये लोग आरजीकल हॉस्पिटल में जा रहे हैं। हाँ। वहाँ से टीयर गैस छोड़ा जा रहा है। हाँ। वहाँ से यहाँ पे पुलिस प्रशासन टीयर गैस छोड़ रहा है। हाँ। पब्लिक को कोई बोलने का मौका ही नहीं दे रहा। हाँ। जब मरीज आते हैं सबसे पहले तो यहाँ एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद जब पहला रूम जो होता है जिसको कार्डियो इमरजेंसी कहते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कार्डियोलॉजी इमरजेंसी। इस कार्डियो इमरजेंसी ये स्थिति देख लीजिए कि कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया गया है। सेंट्रल फोर्स आए और हमें प्रोटेक्शन दे। जेकर अस्पताल में जो हुआ उसके बाद से सुबह पूरी तरीके से तस्वीर बदली हुई है। पुलिस ने सब कुछ अपने हाथों में ले लिया है। सबसे पहले मैं अस्पताल के बाहर की तस्वीर दिखाऊंगा। पुलिस यहाँ पे मुस्तैद है और उन्होंने प्रॉपर बैरिकेटिंग और सब कुछ काम कर दिया है, वो बैरिकेटिंग जो कल रात में तोड़ दिया गया था, और अब यहाँ पे बैरिकेटिंग भी प्रॉपर तरीके से हो गई है।
सुबह से सैनिटेशन ड्राइव वगैरह चल रहा है। इसके साथ ही जहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे वो स्टूडेंट आज सुबह भी आके बैठ गए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। और सामने में आपको दिखाना चाहूँगा कि स्टूडेंट धीरे धीरे यहाँ पे आके बैठना शुरू किए हैं। अब ये जो जगह है जहाँ पे इनकी कुर्सियाँ वगैरह तोड़ ताड़ दी गई हैं वो सारी के सारी कुर्सी जो है फिलहाल तो टूटी पड़ी हुई है, लेकिन स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे एक बार फिर से आ गए हैं जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक बात बताएं कि कल का जो भी कुछ प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद से फिर लोग आप लोग अपना एजिटेशन शुरू करेंगे? यस, हम लोग करेंगे और प्रोटेस्ट पूरे दम पे चलेगा। इस बीच टीवी 9 भारतवर्ष ने इस केस से जुड़े एक अहम किरदार से संपर्क किया है। ये डॉक्टर सुवर्णा गोस्वामी हैं जो ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। इन्होंने सबसे पहले लेडी डॉक्टर की ऑटोप्सी रिपोर्ट को देखा। इनका एक परिचय ये भी है कि ये इसी मेडिकल कॉलेज के पूर्व छात्र हैं, यानी इस अस्पताल की चार दीवारी को अच्छी तरह जानते समझते हैं। टीवी 9 भारतवर्ष की संवाददाता शालू अस्थी ने इनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस बातचीत में डॉक्टर गोस्वामी ने लेडी डॉक्टर की ऑटोप्सी रिपोर्ट से जुड़े कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं। हमने इस बातचीत का मुख्य अंश आपके लिए निकाला है ताकि कोलकाता में हुए इस जघन्य अपराध के बारे में आप हकीकत जान सकें। जानकारी चाहिए थी कि जैसे कि जो अब कोलकाता मामले में चल रहा है, तो ऑटोप्सी रिपोर्ट जो आपने सबसे पहले देखी थी उससे क्या निकल कर आया था, कुछ बता सकते हैं? जरूर बता सकते हैं। जी सर, बताइए थोड़ा उसके बारे में, क्या उसमें निकल कर आया था, क्या कोई चोट के निशान भी थे, क्या एक से ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है? देखिए, ये चोट तो बहुत सारे थे। ऑटोप्सी में जो रिपोर्ट है, बाहर का जो इंजुरी है तो फेस में बहुत सारी इंजुरी है और खून निकल था उसकी आंखों से, उस मुंह से, नाक से और प्राइवेट पार्ट से, और बाकी जो यू नो ब्लड जब डिसेक्शन में हुआ तब स्किन के नीचे जो हमारा जो खोपड़ी जो है ना, जो खोपड़ी है उसका जो डिसेक्शन किया है उसके नीचे बहुत ब्लड तक खून जमे हुए थे, वो भी मिला है हमारी। हो सकता है सीमेन होगा वो। जी, तो डॉक्टर क्या इसमें जो निकल कर आया कि क्या मल्टीपल लोग इन्वॉल्व थे, तो इसमें कितने लोगों के होने की संभावना है? ये देखिए, सीमेन का जो स्पेसिमेन लिया है वो बहुत ज्यादा है, 151 ग्राम्स, तो वो एक आदमी तक काम तो हो ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्वमेंट का पॉसिबिलिटी है। ऑटोप्सी रिपोर्ट जो है सो गैंगरेप को हो सकता है, और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनको पूछताछ करना चाहिए, मेडिकल टेस्ट भी करना चाहिए, इसका डीएनए टेस्ट भी करना चाहिए। सुनकर भी ये सब एकदम हैरत होती है, क्रोध आता है। कुल मिलाकर अब इस मामले पर राजनीति का चक्रवाती तूफान आ जाता है। चारों तरफ से बयानों की मूसलाधार बारिश हो रही, क्योंकि ममता बनर्जी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों की दिशा बदलने के लिए राम का नाम ले लिया है। गुंडागर्दी पर जिम्मेदारियों की जो टोपी ट्रांसफर करने के लिए राम और वाम वाला नैरेटिव एक ऐसे दुखद मोड़ है जिससे कोलकाता रेप और मर्डर केस का एक बड़ा टर्न साफ दिखाई दे रहा है। अब अपराध और जांच से ज्यादा वाम और राम की चर्चा होगी और इसका क्रेडिट सीधे सीधे ममता बनर्जी को जाएगा।